झुंझुनू में बुधवार को हुई प्रियंका गांधी की रैली के दौरान राजस्थान बीजेपी के कई नेताओं ने मंच से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसमें बूंदी से पूर्व विधायक ममता शर्मा, धौलपुर की बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा, सुमिरत शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाने वाले युवा नेता डॉक्टर विकास चौधरी शामिल रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इन सभी नेताओं को तिरंगा गमछा ओढ़ाकर कांग्रेस में शामिल कराया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी और अजमेर की किशनगंज विधानसभा सीट से 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी का नाम न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बेहद खास भी है। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की थी जिसमें विकास चौधरी की जगह अजमेर लोकसभा सीट से सांसद भागीरथ चौधरी पर दांव खेला है। इसके बाद से ही विकास चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। जब बीजेपी की लिस्ट में विकास चौधरी का नाम नहीं आया तो किशनगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी भावुक हो गए थे, जिसके बाद से वो लगातार किशनगंज के विभिन्न गांवों का दौरा भी कर रहे थे। उनकी सक्रियता और बीजेपी को खुली चुनौती के बाद से ही विकास के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। चर्चा शुरू हो गई थी कि विकास चौधरी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं और बुधवार को झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा में कांग्रेस में शामिल भी हो गए। गौरतलब है कि विकास वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारी विरोध के बावजूद राजे ने विकास चौधरी को टिकट दिलवाया, हालांकि विकास चौधरी चुनाव हार गए। उस समय चौधरी को टिकट मिलने से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी उनका भारी विरोध हुआ था और किशनगढ़ से बीजेपी के दावेदार माने जाने वाले भागीरथ चौधरी और सुरेश टाक ने उनकी जमकर मुखालफत की थी। लेकिन चुनाव हारने के बावजूद 5 सालों तक विकास चौधरी सक्रिय रहे और वसुंधरा राजे के अजमेर दौरों के दौरान दमखम के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहे। ऐसे में उनका नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो जाना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं किशनगढ़ विधानसभा में अब मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि विकास चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब उन्हें किशनगढ़ सीट पर प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी से सांसद भागीरथ चौधरी मैदान में हैं, वहीं सुरेश टाक, जिनका टिकट इस बार भी कट गया है, उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा भी है कि विकास चौधरी को कांग्रेस ज्वाइन कराने में सचिन पायलट की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन चर्चा ये भी है कि चौधरी की कांग्रेस में एंट्री से किशनगढ़ के स्थानीय कांग्रेस नेता नाराज हैं। बीते दिनों मुस्लिम समुदाय को लेकर भी विकास चौधरी ने विवादित बयानबाजी की थी। ऐसे में अजमेर किशनगढ़ के मुस्लिम नेता भी कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। विकास चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और डोटासरा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पार्टी उन पर कितना विश्वास जताती है।